हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ एडुलवर। क्लास 10th एक्सरसाइज 13.2 पे बेस्ड एग्जांपल नंबर 6 है, उसी का सॉल्यूशन हम लोग करने जा रहे हैं, जो कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड है। क्या है क्वेश्चन नंबर 6, फटाफट से देखते हैं। अगर इसे प्रीवियस वीडियो आपने अभी तक सॉल्व नहीं किया है तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। क्या है, अ जूस सेलर, एक जूस सेलर है, वाज सर्विंग हिज कस्टमर यूजिंग द ग्लास एज शोन इन फिगर। इस टाइप से ग्लास आपको देखने को मिल रहा है, मतलब एक ग्लास है लेकिन यहां पर ना इसको उठा दिया गया है। क्यों उठा दिया गया है, ताकि कम जाए ना जूस सेलर, ताकि उसका कम मतलब जूस भी लगे और पैसा भी अच्छा खासा वो ले। ठीक है, ऐसा वो करते हैं। ठीक है, इस टाइप से आपको ग्लास देखने को मिलता हो, जैसे चिप्स आप देखते हो, चिप्स में आपको लगता है अरे यार इतना फूला फूला लगता है, पूरा चिप्स है, खोलते हो तो आधा का हवा गायब, आप पता चलता है कि दूसरा चिप्स आया अंदर। ठीक है, तो वो उनका बिजनेस है, छोड़िए उनके बारे में, छोड़ते हैं, अपने क्वेश्चन पे आते हैं। द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंडर वाज इतना, यानी कि डायामीटर ऑफ सिलेंडर हमें गिवन है, डायामीटर ऑफ सिलेंडर हमें गिवन है कितना दिया हुआ है, डेट इज 5 सेंटीमीटर। अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें तो जो डायामीटर ऑफ द सिलेंडर है वही डायामीटर ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट, हेमिस्फेयर है ना, मे बी, हाँ हेमिस्फेरिकल। ठीक है, तो हेमिस्फेयर पार्ट के लिए भी वही डायामीटर होगा, देयरफॉर रेडियस इक्वल्स टू कितना होगा, 5/2 सेंटीमीटर। इसको हम लोग लिख सकते हैं इक्वल्स टू डायामीटर ऑफ हेमिस्फेयर। बोल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दोनों के लिए तो सेम ही होगा। ठीक है, तो ये हमें गिवन है। उसके बाद क्या दिया हुआ, हैड रेज्ड द पोर्शन विच रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास, बहुत अच्छे देखने को भी मिल रहा है। इफ द हाइट ऑफ द ग्लास इज इतना, है ना, यानी कि हाइट ऑफ सिलेंडर हमें दिया हुआ है, हाइट ऑफ सिलेंडर हमें गिवन है कितना है, दैट इज 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो फाइंड द अपेरेंट कैपेसिटी मतलब स्टार्टिंग में अगर ये नहीं रहता तो कितना कैपेसिटी होता, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि अपेरेंट कैपेसिटी है ना, अपेरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास हमें पता चल जाएगा, एंड इट्स एक्चुअल कैपेसिटी, अब इसका कैपेसिटी कितना है, तो जितना हम लोग का कैपेसिटी ऑफ द सिलेंडर देखने को मिलेगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर को माइनस कर देंगे, पता चल जाएगा। कितना सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है, चलिए फटाफट से सॉल्व करते हैं। नाउ हमें क्या चाहिए, अपेरेंट कैपेसिटी कितना के इक्वल होगा, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के, जो कि फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू हमें मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है कि 3.14 पुट करना है इनटू आर स्क्वायर। आर का वैल्यू कितना है, दैट इज रेडियस, रेडियस का स्क्वायर दैट इज 5/2, तो हमारा हो गया 5/2 × 5/2 × h। हाइट कितना है, हाइट है 10, इससे इसको कैंसिल करेंगे कितने टाइम्स में, 5 टाइम्स में, कितने टाइम्स में, 5 टाइम्स में, बहुत अच्छी बात है। 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125, तो हमारे पास हो गया 3.14 × 125 / 2 / 2, मल्टीप्लाई करें, क्या मल्टीप्लाई करें सर, इतना खतरनाक मल्टीप्लाई आप कर लोगे, 125 × 4 दैट इज 500, तो हमने लिख लिया 0, कैरी हुआ 50, 125 × 125 = 50, 175 का 5 लिख लिया हमने, 17 कैरी। ठीक है, 125 × 3 दैट इज 375 × प्लस कैरी कितना था, 17 था ना, ऐड कर लीजिए कितना होगा, 9 और ये हो गया 3, यानी कि 392.50 divided by 2। ठीक है, करे क्या डिवाइड करे क्या, बहुत अच्छी बात है, इधर डिवाइड करते हैं कितने टाइम्स है, 2 के टेबल में 1 टाइम्स में 1 और 9, तो 9 टाइम्स में 18, 1 और 2 दैट इज 6.25, इतना हमें देखने को मिलेगा। इतना क्या हम लोग अपेरेंट कैपेसिटी निकाल रहे हैं, वॉल्यूम निकाल रहे हैं, वॉल्यूम किसमें दिया हुआ था, सेंटीमीटर में, यानी कि इतना सेंटीमीटर क्यूब, और यही हो गया हमारा राइट आंसर अपेरेंट कैपेसिटी के लिए। अब हमसे पूछा है एक्चुअल कैपेसिटी, तो लिखेंगे नाउ एक्चुअल कैपेसिटी। अब एक्चुअल कैपेसिटी के लिए फॉर्मूला क्या होगा, अपेरेंट कैपेसिटी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर माइनस वॉल्यूम
ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक, हेमिस्फीयर, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो यही निकाला है ना हमने, कितना आया है, दैट इज 196.25 माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2/3 πr³, क्या होता है 2/3 πr³, ठीक है, 2/3 πr³ माइनस कीजिए कितना होगा 196.25 माइनस 2/3 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 इंटू आर, आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू अभी निकाला हमने 5/2, तो हमने लिख लिया 5/2 इंटू 5/2 इंटू 5/2, ठीक। अच्छी बात, 2 से 2 मर गया, ये 2 है, इसको गलत ना समझे, ठीक है। ये हमारा वैल्यू हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है, अगर हम लोग यहाँ देखें तो हमें क्या करना है, 5 × 5 × 5 125 इंटू 3.14, यहाँ पे क्या है 125 × 3.14, जो कि हमें देखने को मिला है 196 − 2.25 माइनस यहाँ 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 इन तीनों का मल्टीप्लाई अगर हमने किया है तो हमारे पास आया था 392.50, है ना, डिवाइडेड बाई कितना हो गया, डिवाइडेड बाई 3 × 2 = 6 × 2 = 12। अब यहां से 12 हम इसको कैंसिल करेंगे, कितना आएगा 12 × 3 = 36, 3 × 2 = 12, 2 = 24, कैरी 8, तो पॉइंट लिख लिया 8 × 5 = 85, है ना, 8 × 5 = 85, तो कितना 7 × 12, 7 × 84, तो 1 और 0 तो आया 0, ठीक है, यानी कि 32.70 कुछ वर्ड आएगा आगे भी, नहीं आ जाएगा तो इसको 1 बना लेते हम लोग, 32.71, तो हमारे पास क्या हो गया 196 − 0.25 − 32.71, माइनस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, माइनस करके वैल्यू लिखते हैं इधर, या यहीं लिख लेते हैं ना, यहीं लिख लेते हैं ना, कितना होगा माइनस करो भाई, कितना होगा, 5 में से 1 गया, डेट इज 4, 12 में से 7 गया, डेट इज 5 पॉइंट, यहाँ पे हो गया 5, 5 में से 2 गया, डेट इज 3, यहाँ पे 9 में से 6, डेट इज 6 और 1, यानी कि 163.54, ये भी हमारा क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब, एंड दैट इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो एक आंसर आपको यहाँ देखने को मिला, एक आंसर आपको यहां देखने को मिला, जो कि राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो आई होप कि सारा का सारा क्वेश्चन, यानी सॉरी सारा का सारा क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से और सिंपल फॉर्म में समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसका सॉल्यूशन किया है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 7 के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।